भोपाल आ रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की पेंट्री कार में लड़की से रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। लड़की मुंबई से लौट रही थी और आरोपी ने उसे चलती ट्रेन से धक्का देने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पेंट्री कार का मैनेजर बताया जा रहा है। यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की पेंट्री कार में रेप का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार रात 9 से 10 बजे हरदा इटारसी के बीच हुई। जीआरपी भोपाल स्टेशन में जीरो पर रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी पेंट्री कार का मैनेजर बताया जा रहा है। बताया जाता है कि दिल्ली की रहने वाली 21 साल की लड़की मुंबई से लौट रही थी। आरोपी ने उसे चलती ट्रेन से धक्का देने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। आपको बता दें, एसपी रेल ने बताया है कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को झांसी से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। चलती ट्रेन में एक युवती के साथ रेप का मामला आया। पूरा मामला क्या है और ये जो पेंट्री कार का मैनेजर उस पर आरोप लगाया जा रहा है, क्या पूरा मामला, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? थाना जीआरपी भोपाल में एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक फरियादिया भुसावल से नई दिल्ली की यात्रा कर रही थी। वह बिना टिकट यात्रा कर रही थी और एसी कोच के बाहर बाथरूम के इलाके में फर्श पर लेटी हुई थी। वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे अप्रोच किया और इस बात का आश्वासन दिया कि उसे जनरल कोच में बिना टिकट भी सीट अरेंज करा देगा। इस आश्वासन पर वह जो अज्ञात व्यक्ति है उस फरियादिया को लेकर आया अपने स्थान पर और उस व्यक्ति ने उसे आश्वासन देते हुए पेंट्री कार के अंदर लेकर गया और वहाँ एक स्टोर नुमा कमरे में ले जाकर उसके साथ में दुष्कर्म की घटना घटित किया। इसके बाद उस फरियादिया ने अन्य सहयात्रियों को इस संबंध में सूचित किया, जिस पर आरपीएफ कंट्रोल रूम और जीआरपी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और जीआरपी भोपाल की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए ट्रेन अटेंड किया और न केवल फरियादिया को पूछताछ करने के लिए और एफआईआर के माध्यम से विवेचना के लिए प्रोसीड किया, बल्कि उस पेंट्री कार के अन्य कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए अभी थाने में रखा हुआ है और उनसे पूछताछ जारी है। घटना की बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता से विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही जिस आरोपी को चिन्हित किया गया है इस घटना में संलिप्तता के खुलिया के आधार पर, उसे भी अभिरक्षा में लेकर कार्यवाही की जाएगी। क्या अननॉर्मल बताई जा रही है लड़की, क्या ये सही है? मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ नहीं है फरियादिया, ऐसा उससे प्रारंभिक पूछताछ में प्रकाश में आया। तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, यानी कि कोई डिप्रेशन है या कोई बीमारी के लक्षण है उसके? वो जन्मजात ही कुछ अविकसित समझ में आ रही है। बताया जा रहा मैडम कि झांसी में जो इसका आरोपी था उसको राउंड अप कर लिया है। हमारी टीम्स लगातार आरोपी की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही हैं। शीघ्र ही हमें इसमें सफलता मिलने की संभावना है। सर नाम बताइए आपका। मैं सिर्फ अनिल कुमार शर्मा, डिप्टी स्टेशन मैनेजर कमर्शियल हूं मैं, और रात्रि पाली में 12 से 8 में कार्य कर रहा हूं। मुझे कंट्रोल से मैसेज मिला था, श्री शैलेश सक्सेना ने दिया था कि 26/29 में किसी बालिका के साथ गलत काम हुआ है। उस चक्कर में हमने जीआरपी आरपीएफ को अनाउंसमेंट करवाया था और हम लोग उस गाड़ी में गए थे, किंतु पेंट्री कार के जो कर्मचारी उन लोगों ने अंदर से सील कर रखा था, हमने फिर CNW स्टाफ को अनाउंसमेंट कराया और तब जाके पेंट्री कार को खुलवाया और उसके बाद पेंट्री कार के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको जीआरपी ऑफिस में लेके आई है।